करना है फेरोमोन ट्रैप। किसान भाई थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बताएं, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप है वो दूर से दिख जाता है भी। यहाँ ये एक पहरेदार है हमारे पास, ऐसा होता है। ये फेरोमोन ट्रैप हमें नहीं दिखाई दिया, 5-5 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर से हमने खुद ने फील्ड किया, मीटिंगें की है जा जा करके, विभाग ने बहुत प्रयास किए, कई कंपनी प्रतिनिधियों ने भी इसको फ्री भी बांटा। ये ज्यादा रुपए का सामान नहीं है, 15 से 20 रुपए का सामान है। इसमें जो कीट आते हैं, किसी भी किसान भाई का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, लास्ट में अपने जरूर बात करेंगे इसके बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, पहली बात तो कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम भी किसान परिवार से, हम भी किसान ही है, सारे किसानों के काम हम खुद ही करते हैं, हमें पता है। तो फेरोमोन ट्रैप की बात चल रही थी, ये हमें खेत के अंदर लगाना है। लगाना कब किसान भाइयों, जितनी भी बीटी कॉटन है ये सारी हाइब्रिड सिस्टम है। और जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, जो हमारे पुराने नरमे के बीज थे, जे RST9 है, J34 है, RS2013 है, 505 है, 580 है, इन वैरायटियों में क्या टैप रूट सिस्टम होता था, जो जड़ है 1-1.5 फीट गहरी जाती थी। अब जितने भी हाइब्रिड वैरायटी है इनमें सेलो रूट सिस्टम है, यानी थेपड़ी की तरह, पाथी की तरह उनकी जड़ होती है, ऊपरी जड़ रहती है। और इन हाइब्रिड की क्या विशेषता है, ये जो फ्लोरिंग देना प्रारंभ करते हैं ये 35 से 40 दिन में पुष्प देना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये एक सुंडी के लिए इंडिकेटर हो जाता है। तो ये फेरोमोन ट्रैप हमें खेत में जरूर लगाना है। आप नोट कर ले, कितने लगाने हैं, 1 बीघा में 2 फेरोमोन ट्रैप। ज्यादा लगाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। 1 सप्ताह के अंदर किसान भाइयों, जब इसके अंदर आपको 4 से 6 नर पतंगे मिलने प्रारंभ हो जाए, ये आपका खेत का चौकीदार है, ये आपका मित्र है, आपका पहरेदार है, इसको खेत में जरूर लगाइए आप। आपको इंडिकेशन मिलेगा भी आपके खेत में सुंडी आ चुकी है, उसने अटैक कर चुका है। दोबारा मैं फिर बता देता हूँ, 1 सप्ताह में आप मॉनिटरिंग करें, 2-3 बार आपने मॉनिटरिंग की, 4 से 6 पतंगे इसके अंदर आ जाते हैं, तो आपको है उसके नियंत्रण के उपाय सुझाने चाहिए। तो ये हमें दूसरा काम करना है, फेरोमोन ट्रैप, तो हमारी सुंडी है वो नियंत्रित होगी। तीसरे पॉइंट की यदि अपनी बात करें, तो किसान भाइयों के ऐसी भ्रांतियां हैं, BG1 BG2 के बाद BG3 भी आ गया। आपने किसी सोशल मीडिया में देखा, कोई पाकिस्तान के वीडियो आपने देखे, हमने भी देखे, BG3 आ गया। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, हमारे प्राग ब्रीडर है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, साइंटिस्ट है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है, कोई BG3 नहीं आने वाला है। वो आपके साथ कोरी ठगी हो रही है, कहीं आप गुजरात चले जाओ, वहां से आप बोरे भर के ले आओ, भी हमें तो बीज मिल गया, इसमें सुंडी आएगी नहीं, हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। विभाग आपको जो रिकमेंडेशन करेगा उसी वैरायटी की आपने बुआई करनी है। कैलेंडर विभाग का आएगा, जैसे ही परमिशन मिलेगी आपको वैरायटी बता दी जाएगी, ये वैरायटी है, इस कंपनी की वैरायटी है, इसको आप रेतीली मृदा में बो सकते हो, दोमट मृदा में बो सकते हो, भारी मृदा में बो सकते हो, और ड्यूरेशन भी आपको बताया जाएगा, ये वैरायटी 140 दिन की है, ये 160 दिन की है, 170 दिन की है। तो विभाग से आप बिल्कुल बाहर नहीं जाए, विभाग आपके साथ है, प्लस हमारे डीलर साहिबान हमारे साथ है, प्लस हमारे कंपनी प्रतिनिधि है। तो एक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा किसी बैक्टीरिया को उसमें प्रवेश करवाना इतना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, फिर भी सरकार कंपनी प्रतिनिधि इसके अंदर लगे हुए हैं। और सरकार इसमें क्या क्या कर रही है टेक्नोलॉजी की यदि बात करें, तो इस समय जो टेक्नोलॉजी है, एक जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका के एरिजोना प्रांत है, वहां पर एक टेक्नोलॉजी है मेल स्टेरिलिटी टेक्निक, यानी जितने भी नर है उनको खसी कर दिया जाता है, उनको बंदे बना करके और फील्ड में छोड़े जाते हैं। जो अमेरिका है वहां पर गॉसिपियम बारबेंडिस वैरायटी है उसका प्रयोग करते हैं, वो वहां पर भी गुलाबी सुंडी है, तो उन्होंने इसके कंट्रोल के लिए उन बंदे नर को खेत के अंदर छोड़ा, उनसे आगे जो बच्चे अंडे पैदा होंगे वो सारे बंदे होंगे, इस तकनीक के द्वारा उन्होंने कंट्रोल किया। वहां एरिजोना प्रांत में जो फील्ड है वहां पर 10,000 हेक्टर के फील्ड है, इतने इतने बड़े बड़े किसानों के पास, यहाँ पर जो हमारे फार्मर है उनके पास जोत है, लैंड होल्डिंग है, वो बहुत छोटी है, किसी के पास 4 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है। और टेक्निक जब भी कोई यूज करते हैं तो उसकी बिजाई एक समय होती है, यहाँ कोई किसान है जो 10 दिन बाद में बुआई कर रहा है अपने समय के अकॉर्डिंग, कोई 15 दिन बाद में कर रहा है,
ये एक टेक्निक चल रही है। दूसरा जो हमारा खेतीबाड़ी महकमा है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU, इसने एक टेक्निक विकसित की है मेटिंग डिस्टरबेंस टेक्निक, यानी वो विघन पैदा कर देता है डिस्टरबेंस में, जो आपके मेल है वो पहचान नहीं पाता फीमेल कहाँ है। ये टेक्निक के डेमो लगे हुए हैं अपने यहाँ मानगढ़ जिले में भी, इस टेक्निक के डेमो लगेंगे। प्रजनन विघन पैदा करती है, इसमें है जो ल्यूर यानी जो मादा है उसकी एक तरह की ट्यूब बनाई गई है, एक एकड़ में 400 पौधों पर है। ऊपर से पत्ती हम गिरेंगे, पांचवी पत्ती के अंदर वो ट्यूब लगेगी, एक एकड़ में यानी 150, जो हमारा एक एकड़ है उसमें लगभग 400 जगह लगाई जाएगी। तो ये एक टेक्निक पर काम हो रहा है इंडिया के अंदर। इसके अंदर दो कंपनियां काम कर रही है, एक क्रे माइट कंपनी है और एक नेटको कंपनी है ATGC, ये दो कंपनियां काम कर रही है। वहां पर कई जगह ट्रायल लगे हुए हैं। तो जीन के अंदर आप बिल्कुल विश्वास न करें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आएगी और सुंडी मरेगी, हमें इसका प्रबंधन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फिरोमेन ट्रैप्स, इसके बारे में अपने चर्चा कर ली है और जिला कलेक्टर महोदय को जॉइंट साहब ने लेटर लिख दिया, ज्यादा से ज्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऑनलाइन मिलेंगे तो ये आपको 15-20 रुपए में। इसमें क्या सिस्टम होता है, ल्यूर लगा होता है और इसके अंदर मादा की गंध आती है, तो नर इसमें ज्यादा आएंगे। कई किसान भाइयों के ज्यादा भ्रांतियां भी, फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे तो दूसरे खेतों से सुंडी हमारे खेत में आ जाएगी। तो इसका जो क्राइटेरिया है 200 मीटर तक ये अपने फेरोमोन गंध है जो छोड़ते हैं, जो एक नेचुरल मादा है उससे 4 गुना ज्यादा ये गंध छोड़ेगी। जब आपके नर पतंगे 6 से 8 आ जाए तो हमारे पास इंडिकेटर होगा। ल्यूर इसमें जो काम करता है किसान भाई वो 21 दिन तक काम करता है। अब नए ल्यूर भी आ गए जो 90 दिन तक काम करते हैं। एक बार हमने कैप्सूल लगा दिया, हमें ऐसे लगा इसमें है जो नर पतंगे नहीं आ रहे हैं तो हम उसको बदलेंगे, उसमें लिखा होगा 21 दिन काम करेगा या 90 दिन। तो ये टेक्नोलॉजी को आप जरूर काम में लें, फेरोमोन ट्रैप आप जरूर लगाएं, विभाग भी इसमें आपका अधिकतम सहयोग करेगा। तो ये हमारे पास एक इंडिकेटर मिलता था। इसका जो नर है वो लगभग 8 से 10 mm लंबा होता है और फुर्तीला कीट होता है। दो जोड़ी पंख होते हैं, आगे वाले पंख भूरे रंग के जिस पर काले स्पॉट होते हैं, पिछले पंख इसके ब्लैक कलर के भूरे रंग के और चमकीला फुर्तीला कीट होता है। एक और जो टेक्नोलॉजी है चौथी है वो PP नॉट। ये टेक्निक लगाने के लिए हमें लगभग 10 हेक्टर का खेत चाहिए, 40 बीघे। उसमें जो आप जापान की टेक्निक है जो आपके फेरोमोन ट्रैप है उससे 100 गुना ज्यादा, एक एल्यूमिनियम की तार होती है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा 40 बीघा का खेत है वो खेत की बिजाई एक सार होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया 40-45 दिन में हाइब्रिड है, इसमें इनमें पुष्पन हो जाता है, तो लगभग 30 दिन की क्रॉप के अंदर है इस तार को बांधा जाता है। एक एकड़ यानी 1.5 बीघा के अंदर ये 160 जगह बांधी जाएगी। 3-3 मीटर की जो बॉर्डर की लाइन है वो 3-3 मीटर, उससे आगे की लाइन है 4-4 मीटर की दूरी पर इस तरह की तार बांधी जाएगी। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको टेक्निक बताई, इसके ऊपर काम हो रहा है, पाइपलाइन के ऊपर लगी हुई है कंपनी है, प्लस हमारे प्लांट ब्रीडर प्लस कृषि विश्वविद्यालय। तो कोशिश है, अभी तक इस टेक्निक के अंदर कोई भी BG3 आने वाला नहीं है।